बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर मरकज़ के जरिंजाम इलाके में बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हुई थी और उस कार्रवाई के बाद एक और नया प्लान बना। हालांकि शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा हुआ, हमने देखा वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम लोगों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। जैसे जैसे हमने अलग अलग अज़ला के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अलग अलग ज़िलों के अंदर कार्रवाइयाँ होती देखी। लेकिन अब हुआ क्या है कि सरकारी ज़मीन को खाली कराने का या जो तजावुजात को हटाने का सिलसिला था वो तो अपनी जगह, एक और प्लान बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है और इंतजामी ज़राए ने कन्फर्म किया कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बड़े पैमाने पर जो सरकारी ज़मीन को खाली कराने की कोशिश थी उसमें एक स्टेप फॉरवर्ड होते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर एक और कदम उठाया गया है कि अब एक नेगेटिव फहरिस्त तैयार की जाएगी जिसमें कम से कम ये चीज़ रोकने की एक कोशिश है कि जो गैरकानूनी तरीके से सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्रेशन कई लोग बासर शख्सियात कई लोगों के साथ मिलकर अपने नाम करा लेते थे तो उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। और इस हवाले से जो ज़राए तफसीलात देते हैं और बताते हैं सरकार के अंदर जो हलचल हुई है, एक तो ये कि स्टेट लैंड से जो तजावुजात है उसको हटाने और इस अमल को आगे बढ़ाने के बाद सरकार ये बात यकीनी बनाना चाह रही है और बड़ा फैसला किया गया है कि मुस्तकबिल में ऐसी ज़मीनें जिन पर कोई तजावुजात ना हो, यानी सरकार से रिलेटेड है, स्टेट लैंड है, और इस मकसद के लिए पूरी स्टेट लैंड को निशानजद करने के लिए बड़े पैमाने पर एक एक्सरसाइज शुरू की गई है, एक मश्क शुरू कर दी गई है और मनफी फहरिस्त, एक नेगेटिव लिस्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदारी लेते हुए अब क्या किया जाएगा कि रजिस्ट्रारों और सब रजिस्ट्रार को ये फराहम की जाएगी जो डॉक्यूमेंट्स बनाने में और रजिस्ट्रेशन का असली अमल जो इनके पास रहता है उन्हें ये सौंप दी जाएगी। यानी पहले तो उस ज़मीन की शनाख्त की जाएगी, निशानजद किया जाएगा जो सरकार से रिलेटेड है, नंबर वन। नंबर टू इसमें यह होगा कि उस ज़मीन को नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। फिर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि अगर ज़मीन सरकार की है तो आप अपने नाम किसी भी तरीके से या कुछ लोगों के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन में आप करना चाह रहे हैं, वो काम नहीं होगा। एक तो ये कि मनफी फहरिस्त में जो ज़मीन निशानजद की जाएगी उसमें डाल दिया जाएगा और इस सिलसिले में एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है जिस पर ये ज़मीन अपलोड की जाए, ये डिटेल्स जो है वो अपलोड की जाएंगी और फहरिस्त सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के बाद तमाम रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार्स जो है उनको फराहम की जाएगी जो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि स्टेट लैंड किसी और के नाम से रजिस्टर ना हो, जो सिर्फ सरकार की ज़मीन है उस पर कोई और दूसरा अपना हक जताने की कोशिश ना करे। ज़राए ये भी बताते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो महाराष्ट्र पुणे के अंदर तैयार हो रहा है और जल्द इसे जम्मू कश्मीर के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि ज़मीन जो निशानजद करने वाला सॉफ्टवेयर है उस पर काम तैयार कर लिया जाएगा और एतराज़ात के लिए, सवालात के लिए, शिकायात के लिए आम लोग अपनी राय इस पर रखना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, किसी तरह का कोई एतराज़ है तो उसके लिए एक रास्ता खुला रखा जाएगा। अगर किसी को शिकायत है कि उसकी निजी ज़मीन यानी प्राइवेट ज़मीन गलती से सरकारी ज़मीन जाहिर कर दी गई है तो इसकी बात भी सुनी जाएगी। सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक रास्ता, एक ऑप्शन ये भी रखा जाएगा कि किसी के साथ गलत ना हो। दूसरा, अगर वो शख्स डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अपने दावे की तस्दीक करने में कामयाब हो जाता है, कागज़ ले आता है, डॉक्यूमेंट्स ले आता है कि ज़मीन मेरी थी, सरकार ने गलती से स्टेट लैंड बता दी और इस लिस्ट में डाल दी, यानी नेगेटिव लिस्ट जो तैयार हो रही है, तो उस लिस्ट से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स फराहम करता है। फुल प्रूफ तरीके से सरकारी ज़मीन पर मज़ीद तजावुजात को रोकने का एक नया तरीक़ाकार है और इसमें नई तकनीक जो है उसको इनके नए डिज़ाइन को नाकाम बना देगी उन लोगों के जो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ये काम करते हैं। दरअसल हुआ क्या है, तजावुजात को हटाने के दरमियान सरकार के पास आज भी ये शिकायतें हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत तरीके से सरकारी ज़मीन को अपने साथ जोड़कर या अपनी थोड़ी बहुत अगर ज़मीन है उसके साथ मिलकर निजी अराजी के साथ बताकर उसको अपनी ज़मीन या अपना हिस्सा बता रहे हैं और कई लोग, ज़राए के मुताबिक अमले को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीन बनाए कि गलत जो अंदराजात हैं या गलत जो अंदराज हुआ है, जो गलत तरीके से ज़मीन को कहीं पर अगर रजिस्टर किया गया है तो उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाए और ये बताया जाए, लोगों को सेल के ज़रिए भी बात करने की मौका दिया जाएगा। लेकिन स्टेट लैंड की शनाख्त, इसे मनफी फहरिस्त के तौर पर निशानजद करने और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को दफातर के अंदर ये सॉफ्टवेयर की सारी डिटेल्स फराहम करना ये आने वाले दिनों में होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार होंगे उनको ज़िम्मेदारी दी जाएगी। तो एक वो मैकेनिज़म है कि कई लोगों ने ये तजावुजात, जब ये कहा गया कि डिटेल सामने लाई है सरकारी लैंड की, तो सरकार मानती है कि कई लोगों ने लोकल लेवल पर रेवेन्यू ऑफिशल्स के साथ मिलकर उन पर दबाव डालकर या बासर शख्सियात होने का फ़ायदा उठाकर वो ज़मीनें कुछ ऐसी थी जो अपने नाम कराने की कोशिश की है, तो रजिस्ट्रेशन स्टेट लैंड पर अब नहीं हो पाएगी। नेगेटिव लिस्ट तैयार है, नई तकनीक तैयार है, नया सॉफ्टवेयर तैयार है और सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुकम्मल तौर पर जो बासर शख्सियात हैं अगर ऐसा कोई करना चाह रहा है
तो सरकारी ज़मीन पर कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक नया प्लान है सरकारी ज़मीन के हवाले से। और पूरी की पूरी ज़मीन जो है, जो अब तक वापस ली गई है या बची हुई सरकारी ज़मीन है, तो उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाएगा। फिर किसी और के नाम से रजिस्ट्रेशन कर पाना इंतहाई मुश्किल होगा।